नोटबंदी के बाद चमकी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की सेल। इस वर्ष जनवरी मार्च क्वार्टर में होम बायर्स को भले ही नोटबंदी के बाद की मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सपनों का घर खरीदने का फैसला नहीं बदला है। जनवरी मार्च में देश के टॉप 8 शहरों में प्राइमरी रेजिडेंशियल सेल में इसके पीछे क्वार्टर के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। IPS अधिकारियों ने संपत्ति की वापसी में विफलता के लिए पदोन्नति खो दी। गृह मंत्रालय अपने अचल संपत्ति के विवरण का खुलासा ना करने वाले IPS अधिकारियों को गृह मंत्रालय से पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों से वंचित किया जाएगा, ताकि उन सभी राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा जा सके। हाल ही में एक संवाद में मंत्रालय ने मुख्य सचिव राज्य पुलिस के निदेशक जनरल केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। आदर्श सेवा परियोजना में 130 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जेंडर ग्रुप की गैर बैंकिंग फाइनेंस इकाई एकर फाइनेंस ने बेंगलोर में आदर्श डेवलपर्स आवासीय परियोजना में 130 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हम पहले से ही आदर्श को प्रदान किए गए 130 करोड़ कुल प्रतिबद्धता के आधे से ज़्यादा वित्त घोषित करते हैं। यह सुविधा दक्षिण पूर्व बेंगलुरु और उसके आसपास के विला परियोजना के विकास के लिए है, एकर फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमर मरानी ने कहा। PMEI के तहत 2.22 लाख घरों का निर्माण होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.22 लाख मकान बनाए जाएंगे, जो अगले 6 महीनों से पूरा हो जाएगा।